अयोध्या। सालों से सनातन संस्कृति की धरोहर को अपने में समेटे हुए ये शहर हमेशा से बाहरी आक्रांताओं से लगातार जूझता रहा। कभी राजनीति का केंद्र बना ये स्थान आज करोड़ों हिंदुओं का आस्था का प्रतीक बन चुका है। गौधुल आपका तहे दिल से स्वागत करता है। आज की भव्य अयोध्या का सफर सालों की तपस्या का फल ही है जो मुगल काल के दौरान इस शहर को तहस नहस कर दिया गया। अयोध्या सिर्फ शहर नहीं है, ये अपने आप में पूरी की पूरी सत्ता का सैद्धांतिक स्थल रहा है, जहां न सिर्फ भगवान श्री राम की जन्मभूमि का पौराणिक महत्व है, अपितु राम राज्य से सुराज्य का अपना पूरा इतिहास दुनिया को दिखाया है। चलो आज से करीब 700 साल पीछे चलते हैं। क्या हुआ था उस समय? भारत उस समय समृद्ध विस्तार माना जाता था और भारत की सांस्कृतिक विरासत के चर्चे पूरी दुनिया में फैलते जा रहे थे। ये शानो शौतक और समृद्धि को देखने और लुटने के लिए बाहरी आक्रांता लगातार भारत में आकर भारत की भूमि को लहूलुहान करके हमारी धरोहर को नष्ट करके पूरा का पूरा धन लुट कर ले जाते थे। समय था जब बाहरी आक्रांता बाबर ने अयोध्या में आकर न सिर्फ धन लुटा अपितु हमारी सबसे पौराणिक सभ्यता का प्रतीक और भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले श्री राम का जहां जन्म हुआ था उसी स्थान पर स्थित मंदिर को नष्ट कर वहां अपने नाम की मस्जिद निर्माण कर दी। उसके बाद का एक लंबा काल खंड रहा जहां हिंदू अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में लगातार जुझते रहे। ये काल खंड लगभग 500 सालों तक चला, जहां कभी विवादित स्थल पर पूजा करने की अंग्रेजों ने रोक लगा दी। अंग्रेज इस मुद्दे को धार्मिक न मानकर राजनैतिक रूप देने में लगे। सालों गुजरे जब पुरातत्व विभाग ने मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्तियों की रहस्यमय उपस्थिति को देखा और एक बार फिर यह विवाद कानूनी रूप ले लिया। इस बीच कभी कभी आजाद भारत की राजनीतिक इसी मुद्दे पर घूमती रही। जब यह मुद्दा लोगों की आस्था में फिर से परिवर्तित हुआ अब यह जब कार सेवकों ने अयोध्या में कूच कर विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया। आस्था का मुद्दा सिर्फ कानूनी लोक भावना से बदलकर राजनीतिक केंद्र में स्थापित हुआ। 1992 से 2018 तक समय समय पर यह मुद्दा कभी न कभी चर्चा में रहा। अब साल आ गया 2019, जब राम जन्म भूमि विवाद आजाद भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम में अपने आखिरी फैसला का इंतजार खत्म होने को आया। फैसला राम जन्म भूमि के पक्ष में आया। फिर से हिंदू आस्था का सैलाब अपने चरम पर फैला। मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बना। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ जो 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने गौरवशाली क्षण का गवाह बना। फिर से भगवान राम अपने दिव्य घर में पधारे। ये भव्य समारोह का साक्षी सिर्फ देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया बनी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कर कमलों से गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए गए। आइए इस ऐतिहासिक घड़ी के कुछ पल फिर से दृश्यमान करते हैं। उम्मीद है कि गौधुल की ये वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करके आपका प्यार दिखाएंगे। आपके दिल से किए गए कॉमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में।